Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to our channel. So yes everyone, I'm back with another vlog. तो आज का व्लॉग तो आप लोगों को थंबनेल देख कर तो पता चल ही गया होगा कौन सा है, फादर्स डे का है. मैं मानती हूँ मैंने लेट अपलोड किया बिकॉज मेरे पेपर्स चल रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग अपलोड करने का इसलिए. बट अब मेरे पेपर ख़त्म हो गए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये अपना प्यारा सा व्लॉग शेयर करूँ. और सो जी, मेरे पापा की क्यूट सी स्माइल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि इनको हमने सरप्राइज दिया, इनको किसी बात का नहीं पता था. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए. करने हो मुझे अगर अम्मा. थैंक यू जनाब, थैंक यू ऑल ऑफ अस. एक मिनट. थैंक यू फॉर माय थ्री लिटिल प्रिंसेस एंड माय ब्यूटीफुल एंड लवली वाइफ. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्टी एंड अ ब्यूटीफुल केक. हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू. हैप्पी फादर्स डे. फिर बाद में जो है ना वो बड़ा मामा खुद काटेंगे. आप खिलाओ ना पापा को. थैंक यू पापा. मेक अ विश एंड ब्लो द कैंडल. थैंक यू. दिस इज नॉट हिज बर्थडे. थैंक यू. वेरी नाइस केक यार, व्हाट जबरदस्त. द केक इज फ्रॉम कस्टमाइज्ड बाय मी एंड केक इज फ्रॉम होम स्टार बेकर्स, माय फ्रेंड्स मॉम्स बेक. मामा को खिलाना. एक मिनट. एक तो काट लिया, अब चलते हैं खाना खाने. तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग KFC जाएंगे. तो हम लोग आ चुके हैं अब KFC और जब हम अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खाना साथ खाएंगे और खूब मज़े करेंगे. इसलिए मैं व्लॉग भी बना रही हूँ कि आप लोग भी देखें कि किस तरह से अपने बाबा को अच्छे से सरप्राइज़ किया जाता है. आप भी अपने फादर्स को इसी तरह सरप्राइज़ किया करें ताकि वो जो हमारे लिए इतना ज़्यादा करते हैं ना, वैसे तो हम उनका किए हुए का 1% भी उन्हें नहीं दे सकते, बट हाँ जितना हमारे लिए पॉसिबल है उतना करके उन्हें थोड़ी सी तो खुशी दे सकते हैं. आपने भी तो मेरे बाबा के फेस पर इतनी प्यारी सी स्माइल देखी, उसी तरह आप अपने भी बाबा के फेस पर वैसी स्माइल लाएँ. तो जी अभी मैं करने जा रही हूँ ऑर्डर. तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता के जाती हूँ कि मैं ऑर्डर क्या करने लगी हूँ. मैं ऑर्डर करूँगी जी एक वैल्यू बकेट और एक शेयर बॉक्स और एक एक्स्ट्रा क्रंच बर्गर, क्योंकि जो मेरी पर्पल कपड़ों वाली बड़ी बहन है ना, ये थाई पीस नहीं खाती, ये खाती है वाइट पीस. तो इसलिए इसके लिए वाइट पीस वाला बर्गर मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा. जैसे मेरा ऑर्डर आ चुका है, ये है जी मेरी वैल्यू बकेट, शेयर बॉक्स, बर्गर एंड ड्रिंक्स. ड्रिंक मेरी साइड पे पड़ी हुई है. एज यू नो KFC का ना स्टैंडर्ड ही अलग है. आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी का ना KFC खा लो, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा. वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बर्गर, आई लव इट. व्हाट अ चुम्मेश्वरी बर्गर, वाह मज़ा आ गया. थैंक यू ऑल ऑफ अस, माय मिसेस एंड माय किड्स, ऑल ऑफ यू नाउ, कि आपने मुझे इतनी अच्छी KFC की ट्रीट दी. थैंक यू. Yes, this is how we spend our day with our hero. I hope you guys like the video, so do like, subscribe and comment to our channel. Thanks for watching. Bye bye. See you next time.